बहुत बढ़िया थी मेरी, हर एक लाइक हर एक कंटेस्टेंट से अच्छी बॉन्डिंग थी, स्क्वाड लीडर्स बॉसेस जो भी थे जजेस सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी, और बहुत सी चीजें सीखने को मिली मेरे को, एक्सपीरियंस था एक नया, लाइक स्टेज पे परफॉर्म करना, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना, सो बेसिकली वही है, पूरा एक्सपीरियंस था एक अच्छा। हाँ हर बार होता है, हर किसी को होता है वो, आई थिंक, और होता भी है, लाइक क्या कभी अपना परफॉर्मेंस लो लगता है तो अपन देखते हैं यार हाँ इसका अच्छा हो गया है, मेरा थोड़ा कम हुआ, वो हर किसी को लगता है सर। सो अभी आप इतने बड़े रैपर बन चुके हैं, बड़े पॉपुलैरिटी मिल गए, तो लाइफ कितनी चेंज हुई है आपकी, मतलब कुछ बदलाव कितना फील कर रहे हैं आप? है कुछ चीजें चेंज हुई है, लाइक पहले भी लोग मेरे को मिलते थे शो के पहले, क्यों मैं पहले से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नाम था पहले भी रैप सीन में, सो लोग पहले भी मिलते थे, और हसल के बाद कुछ ज्यादा ही मिलने लग गए, लाइक लिटरली जो मतलब बोलते हैं ना, जहाँ पे भी जाओ तो लोग मिल जाते हैं, अरे भाई आपको टीवी पे देखा हसल पे, तो बहुत बड़ी बात है, लाइक एक वो फीलिंग आ जाती है। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लिखने में कितना समय देते हैं और क्या कितना मतलब कैसे आप लिख लेते हैं अच्छी अच्छी रैप? मेरे को सर लिखने में ही ज्यादा टाइम लगता है, To be honest, एक कभी कभी एक हफ्ता लगता है, कभी कभी उससे ज्यादा टाइम लगता है, तो कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है काम, सो डिपेंड करता है मूड कैसा है, दिमाग कितना लाइक जगह पे है और काम हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड वही है सर कि इतने टाइम से करते आ रहे तो कहीं ना कहीं हैबिट बन गई अभी, तो उसके वजह से इम्प्रूव हुआ हूँ मैं, मेरी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई है, इसके लिए इतने अच्छे लाइक लिरिक्स निकल के आ जाते हैं, रेफरेंसेस आ जाते हैं। सर लोगों की बात तो दूर रह गई, हमको खुद को तभी स्टार्ट किया, इसमें भी हम पैसे कमाएंगे या ये होगा, इतना बड़ा सीन होगा कभी हमने सोचा नहीं, उस तरह से एग्जीक्यूट हो गया, तो आई थिंक लाइक वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रह सकती है वो इंडिया में, ऐसा मुझे लगता है। रैप तो आप लोग अच्छा करते हैं, सिंगिंग जो नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं इसके भी आप आने वाले दिनों में क्या अपना करियर बनाने की कोशिश करेंगे सिंगर के? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना म्यूजिक में, तो मैं सबसे पहले सिंगिंग ही करता था, फिर मैंने रैप में शिफ्ट किया मैंने, तो मेरे से सिंगिंग उतनी हुई नहीं, बस वही है कि मेरे को मतलब जो सिंगिंग रैप के लिए जो चाहिए ना, मतलब मेलोडीज वगैरह वो तो कर सकते हैं, मतलब उसका कोई वो नहीं है, पर जो प्रॉपर सिंगिंग रहती है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जो रैप में जो होता है मेलोडीज वगैरह न्यू स्कूल साउंड, उसके लिए नॉर्मली जो नॉलेज चाहिए वो तो है अपने पास, स्केलिंग वगैरह ये वो, तो आई थिंक रैप में ही जो है वो, उसमें बॉलीवुड या वैसे वो सब में कभी मैं जाऊंगा नहीं, मेरा रैप और हिप हॉप से लेके मैं लाइक बहुत ट्रू लाइक रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। सो एक गाना है मेरा घर पे जा करके, सो वो मैं स्पिट करूंगा, वैसे कि किसी का हाथ अपने सर पे ना, चलते अपन फुल रुबाब में क्या, पटेली सामने नहीं करने का, मुझसे भिड़ने आया शाने चले घर पे जा, काफी मुझ में क्षमता पर, पास मेरे जनता काम पाप, धुलते भूत में जैसे डूबने जाता गंगा पर, आया सीन में तो हुआ इनका धंधा बन, रैपरों की उड़ी नींद जैसे कर दिया मैं पंखा बन, डाउन टू अर्थ और ये मेरे लिए ब्लेसिंग, मुझ में हवा होने के लिए मैं कोई लेस नहीं, वैसे तो है ये घोड़ों की रेस लेकिन या गधे है घोड़ों के ऊपर जैसे मजनू भाई की पेंटिंग। थैंक यू सो मच। अभी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तो वही है ना, आप कहीं पे भी देखोगे टीवी लगा के ऐड लग रही है कुछ, तो रैप ही बज रहा है, लाइक अभी वो टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया है, लाइक पहले बॉलीवुड के प्यार वाले गाने बजते थे हर जगह, अब थोड़ा रैप रैप होने लगा है, भले कैसे भी लाइक लोग मॉक करते हैं रैप को, कोई कोई लोग अच्छे तरीके से दिखाते हैं, बट जो भी हो रैप बज रहा है किसी भी तरीके से आप देखो, कुछ कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं बट रैप करते हैं वो लोग भी, लाइक बॉलीवुड भी वही कर रहा है, एंड इवन बहुत एड्स वगैरह आते हैं टीवी पे, सब जगह रैप ही चल रहा है, तो वही है हिप हॉप इज द फ्यूचर और रैप इज द फ्यूचर। मेरे लिए आइडल सर कोई वैसा आइडल नहीं है, बस वही है इंस्पिरेशन मैं जिन लोगों से लिया हूँ, लाइक मैं जिन लोगों से इंस्पायर हूँ, वो लिल वेन करके एक रैपर है बाहर के और टूपाक करके रैपर है वैसे, तो उनसे इंस्पायर्ड हूँ मैं, आइडल वैसा देखने आया तो आइडल कोई नहीं है, बस वही है। नहीं सर वो, और वो क्योंकि मैं अब भी ऐसे स्टेज पे आ गया कि अभी मैं जो प्रॉपर हिप हॉप करने वाले जो रैपर्स है उनको ही इम्पोर्टेंस देता हूँ और उनको ही फॉलो करता हूँ।
बिल्कुल सर, वो भी रैप था लेकिन वो, हाँ वो हमारे, वो हमारे भी पहले की बात है, लाइक तब हम पैदा भी आई थिंक नहीं हुए थे, बट वही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब हमारे जो फैमिली वाले जो बड़े लोग उनके मुंह से सुनी हुई बात है कि अरे ये रैपर था ऐसा, बट वो ये कि वो प्रॉपर हिप हॉप रैप नहीं था, वो रैप था अच्छा खासा लाइक मतलब फनी रैप था, लोग एंटरटेनमेंट के लिए था वो, और वो भी एक अपने जगह की, तभी जमाना अलग था, तभी वो शायद वैसे ही रैप हुआ करते थे, बट आज टाइम थोड़ा अलग है, आज के तारीख में हिप हॉप एक प्रॉपर कल्चर है और उसके बारे में लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे, इंडिया में तो इतना नहीं पता है, स्लोली स्लोली चल रहा है, बट भार्गव में ऑलरेडी वो बहुत लाइक एस्टेब्लिश कल्चर है। सर हिप हॉप जो कल्चर है मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ, क्योंकि हिप हॉप जो कल्चर है उसमें एक मेन चीज, मेन एलिमेंट यही है कि आप जब चार लोगों में जाओ तो आप उन सबसे हटके दिख जाओ, सो वो ही पहला रूल है, सबसे हटके दिखना, सारे रूल्स ब्रेक करो, सारे नॉर्म्स को ब्रेक करो, यही हिप हॉप का पहला लाइक रूल है। सो इसलिए रैपर्स लोग आप देखोगे लूज टी शर्ट्स में दिखते हैं, लंबी जीन्स, ये फिर टैटूज वगैरह, क्योंकि वो अभी मैं, अगर मेरे को लगता है मैं लूज कपड़े पहनता हूँ और मैं चार लोगों में जाता हूँ तो मेरे पे लोगों की ज्यादा नजर जाती है, क्योंकि ये कुछ अलग ही दिख रहा है, ये बलता ही अलग ही, मतलब कपड़े अलग पहन रहे, तो वही है हिप हॉप वही से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट ही वैसे हुई थी, इसलिए जो पुराने रैपर्स भी थे वैसे ही कपड़े पहनते थे, ढीले ढीले टोपी, ये वो टैटू चेन्स वैसा था। बिल्कुल सर, मेरा मेरा एक गाना था क्या बोलती पब्लिक करके, शेक्सपियर करके एक रैपर है उनके साथ था, फिर उसमें मेरे को थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, फिर मेरा नाके पे आके देखिए एक सिंगल ट्रैक आया उसके वजह से प्रॉपर चेंज हो गया, उसके उस गाने के बाद सबको पता चलने लगा कि हाँ ये कोई रैपर है, नैस करके कर रहा है, फिर धीरे धीरे मैं बैक टू बैक लाइक हर महीने गाने डालते रहा, डेढ़ साल दो साल तीन साल आई थिंक मैंने बैक टू बैक गाने डाले, हर महीने गाने डाले, मैंने म्यूजिक वीडियोज के साथ क्वालिटी वर्क दिया है, सो धीरे धीरे हुआ है जितना भी हुआ है, एक गाना था नाके पे आके तो उससे थोड़ा चेंज हो गया, फिर उसके बाद मैंने लेवल अप करते गया। सॉरी हाँ, वैसे तो अपन बहुत कम बोलते हैं पर जब भी बोलते हम बम फोड़ते, हर महीने मनाते दिवाली, हम गानों के जरिए ही जीते और दम छोड़ते, नाके पे सबको हम हाय बोलते, तुझे भाई बोलते, मुझे भाई बोलते, मुझे लल्ला समझ रहे, लगाए को बे जाके देख रिकॉर्ड में, मैं गाय तोंडे जो भी देखा मैंने भर डाला, पन्नों पे नुकसान झेला मैंने, हर मेरे थंदो पे जितने थे पैसे फट से वो फंड हो गए, सोचे बसंती सवार अपने थन्नों पे।